शराब पीने के आदि एक युवक ने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। घटना कोतवाली क्षेत्र के बंगला मोहल्ले की है, जहां आज सुबह शराब पीकर घर पहुंचे युवक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन जब उसे जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे तो इससे पहले ही सांसों की डोर टूट चुकी थी। युवक ने यह आत्मघाती कदम आखिर क्यों उठाया, इसकी पुलिस जांच कर रही है। बंगला मोहल्ले में रहने वाले फूल सिंह कुशवा शराबखोरी का शिकार था। वह नियमित रूप से दिन में शराब पीने का आदि था। परिजनों की माने तो वह सुबह शराब पीकर घर लौटा था, जिसके बाद उसे उल्टियां शुरू हो गईं। घबराए परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। इधर चिकित्सकों की माने तो युवक की जहर खाने से मौत हुई है। अब समस्या पर है कि युवक ने जहर खुद खाया या किसी और ने खिलाया, ये बात पुलिस की जाँच में अटकी हुई है। हमारा भतीजा ही था और दारू को नशा करता था, सुबह से लाइफ का काम करके आता था, तो आज आना सवेरे सवेरे पी लेते है ना। पी के जब आया तो घर पर आया था, उल्टी करने लगा। उल्टी करने के बाद में फिर हम पता चला गया, अस्पताल ले आया हम, हरी हरी उल्टी कर रहा था। अस्पताल ला कुछ देर बाद तो कुछ और खा लिया था क्या सर? नहीं, खाने पीने का तो अपन को बिल्कुल भी मालूम नहीं। अपन को तो यही मालूम है जो रोज दारू पी के आता था, आज भी वही दारू पी के आया। शादीशुदा थे? शादीशुदा बच्चे है? बच्चे हैं इसके, का नाम थे तीन चार है। उम्र कितनी है इनकी? 35 साल। क्या नाम था उनका? फुल्ला नाम था, फूल सिंह। फूल सिंह कुशवा? हाँ, फूल सिंह। तो कहाँ ये बंगला मोहल्ला कहाँ लगता है? ये बंगला मोहल्ला अपने शीतला माता से ऊपर चढ़े नहीं, सो जो हरिजन बस्ती इस तरफ और इस तरफ स्कूल के सामने के घर में है। कितने बजे की घटना है ये? सुबह करीब 8-8:30 बजे करीब की घटना है। दारू पी के आने तो कोई किसी से कुछ भी नहीं, कभी नहीं। अपन तो कभी किसी से लड़ना ही नहीं जानते थे ना वो कभी लड़ा, सिर्फ आगे इतनी सी आदत थी कि मैं दारू मारू पी के आता था। और आज तो मानो क्या दारू पी के आया, ऊपर चढ़ गया छत पे से वो सो गया जाने, उल्टी करने लगा। तो जो भैया आया छोटा वाला वो तुरंत लेके आ गए यहाँ पे, वो मोटरसाइकिल वाले बुला के जैसे ही लेके आया अस्पताल में दाखिल करवा दिए सरकारी में। देख डॉक्टर में बोतल बोतल करी, उसके बाद में लग गए जो बचे वाले।